Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है तजमीली बेहानिया के प्रोडक्ट्स का रिव्यू। अच्छा जी, मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप भी जी ये प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट्स वर्थ बाइंग है या नहीं है, तो उनका एक मैं छोटा सा आंसर देना चाहूंगी कि देखो जी, आप लोग का एक ब्रांड है और मेरा एक ब्रांड है, ठीक है जी। मैं चाहती हूँ आप लोग से अच्छा प्रोडक्ट निकालो और आप लोग चाहते हो आप लोग मेरे से अच्छा प्रोडक्ट निकालो। हम दोनों में टक्कर का मुकाबला है। और जनाब साहब, मसला क्या है जी, सबकी स्किन अलग है, किसी की स्किन पे वो सूट करता है, किसी की स्किन पे वो सूट नहीं करता। इसलिए जी मैं रिव्यू भी ऐसे ही दूंगी कि किस स्किन टाइप को कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए और किस स्किन टाइप को ये प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। चले जी, तजमीली बहाने की पांच प्रोडक्ट्स हैं, बारी 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 हम पांच प्रोडक्ट्स देखते हैं। और पहले नहीं, पहले एक दफा सारी देख लेते हैं, एक दफा पहले आप लोग सारी देख ले प्रोडक्ट्स, उसके बाद में बारी बारी आप लोग को बताती हूँ। चले जी प्रोडक्ट्स देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इनका ये फेस वॉश है, ठीक है जी। उसके बाद इसका आता है 24K गोल्ड सीरम। उसके बाद आता है मिल्की यू सीरम, ये इसकी न्यू पैकिंग है, वो जो पड़ी हुई है वो उसकी पुरानी पैकिंग है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी आती है ये मिस्ट। उसके बाद ये इनकी ग्लिटर ग्लू आती है। उसके बाद ये 12 ग्लिटर्स हैं, लेकिन दो मेरी बहन निकाल के ले गई थी तो 10 बच गए हैं, ठीक है जी। इन सब के मैं स्वेचेस भी दिखाती हूँ। हाँ जी, आप लोगों ने सारी प्रोडक्ट्स अब देख ली हैं, अब बारी बारी मैं सबको डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सी आप लोग प्रोडक्ट लें और कौन से ना लें। चलें जी, इनका 24K गोल्ड सीरम पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, इन्होंने न्यू पैकिंग की है, पहले इनकी शीशे की बॉटल थी, अब इन्होंने इस तरह मेटल गोल्ड की इस तरह की पैकिंग कर दी है, ठीक है जी। अंदर से इस तरह का पंप निकलता है। अच्छा जी, अब बारी आती है कौन सी स्किन टाइप इसको किस तरह यूज करें। अच्छा जी, अगर आप लोग की ड्राई स्किन है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग को मॉइस्चराइज करेगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और अच्छी तरह हाइड्रेशन हो जाएगी, मॉइस्चराइजेशन हो जाएगी। ड्राई स्किन वाले बेस लगाने से पहले भी लगा सकते हैं और बेस के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। ड्राई स्किन वाले हो गए कम्प्लीट। अच्छा जी, अब बारी आती है कि जिनकी कम्बिनेशन स्किन है। देखो जी, कम्बिनेशन स्किन मेरी है, मैं डायरेक्ट मुंह पे ये अप्लाई करके अगर बेस लगाती हूँ ना, मेरा बहुत ज्यादा ऑयली फेस हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है और मैंने क्या करना है कि बेस के अंदर दो ड्रॉप्स या एक ड्रॉप ऐड करके लगाना है, हमने डायरेक्ट मुंह पे नहीं लगाना। ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट मुंह पे लगा के अप्लाई कर सकते हैं बेस, मेरे जैसे कम्बिनेशन स्किन वाले मैं बेस के अंदर दो ड्रॉप्स ऐड करती हूँ फिर अप्लाई करती हूँ, डायरेक्ट मुंह पे नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर अगर 24K गोल्ड सीरम इतना मॉइस्चराइजर वाला अप्लाई किया जाए तो उनकी स्किन हो जाती है डल, उनको ये नहीं चाहिए, ठीक है जी। आप लोग बेस अप्लाई करने से पहले कोई भी लोशन लगा लें, या इनकी जो दूसरी प्रोडक्ट है मिल्की हो, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, कोई लोशन लगा लेने, आप लोगों ने 24K गोल्ड सीरम यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी बेस भी वो ग्रे कर देगा और आपकी स्किन को डल कर देगा। ये सिर्फ कम्बिनेशन स्किन वाले बेस के अंदर लगाएं, और ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, बेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका रिव्यू हो गया, ये जी आप बॉटल देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी प्रोडक्ट आती है तजमीली बेहानिया का मिल्की यू सीरम, ठीक है जी। इसको भी खोल के देखते हैं, इसकी इस तरह की पंप है, ये अंदर से इस तरह का वाइट कलर का सीरम है ये, ठीक है जी, ये यू एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं ड्राई स्किन वालों से। अच्छा जी, ड्राई स्किन वालों के लिए ये चीज नहीं बनी हुई, ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइजर चाहिए। ये मॉइस्चराइजर है लेकिन ये बना है ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज करेंगे। इसकी पुरानी पैकिंग ये है जो कि खत्म हो गई है, मेरी बहन ने यूज कर करके खत्म कर दी है, बस ये थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, ठीक है जी। इसकी पुरानी पैकिंग ये है और न्यू पैकिंग इसकी ये वाली आई है, ठीक है जी। इसको मैं रिकमेंड करूंगी जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, जिनकी ड्राई स्किन है ये उनके लिए नहीं अच्छा। ड्राई स्किन वालों के लिए 24K गोल्ड सीरम बना है और कोई भी ऐसा ऑयल बना है जो वो अप्लाई करें उसका उनका चेहरे में रौनक आए, ठीक है जी। ऑयली स्किन वाले अगर कोई 24K गोल्ड सीरम अप्लाई कर लेंगे ना, उनके चेहरे से रौनक चली जाएगी। तो ये मैं रिकमेंड करूंगी कम्बिनेशन के लिए भी और ऑयली स्किन वालों के लिए भी, ठीक है जी। ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, कम्बिनेशन और क्या कहते हैं ऑयली के लिए।
जो कम्बिनेशन स्किन होती है ना वो बड़ी शहजादी स्किन होती है मेरी तरह, कि हर चीज सूट कर जाती है, कभी कम्बिनेशन हो रही होती है, कभी ऑयली हो रहा होता है, हर चीज इंसान लगाता है सूट कर जाता है, टाइम टाइम की बात होती है, कभी ऑयली फील हो रहा होता है कभी वो, तो इसलिए जो कम्बिनेशन स्किन वाले हैं ना वो तो सही रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसका स्किन सॉफ्ट लेमन फेस वॉश। अच्छा जी, फिर वही बात जो मैंने ऑरेंज पाउडर बनाना बताया था उसमें बताया था कि जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता वो लोग ऑरेंज, लेमन, ग्रेपफ्रूट इस तरह का कोई चीज अप्लाई नहीं मुंह पे करेंगे, क्योंकि उनके छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। मेरी कजन जब अप्लाई करती है ऑरेंज पाउडर तो उसका मुंह एकदम रेड हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है और ना थोड़े छोटे छोटे तप्पड़ तप्पड़ नहीं होते वो बन जाते हैं। तो हम जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता वो ये फेस वॉश नहीं लेंगे, जिनको विटामिन सी से कोई एलर्जी नहीं है तो वो ये ले सकते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और बाकी इसको इस तरह खोलते हैं और ये इस तरह से निकलता है, ये देखें, ठीक है जी, इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की है, ये हो गया। इसको मैं जरा साफ करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। हाँ जी, अब बारी आती है इनकी ये मिस्ट की, ठीक है जी। ये क्लेम करती है कि मैं मेकअप भी रिमूव करती हूँ, उसके बाद आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं, फ्रेशनेस भी देते हैं और हर चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये हर चीज प्रोवाइड करती है, ग्लो भी देती है, आपकी स्किन को फ्रेश भी करती है, लेकिन इससे मेकअप रिमूव इतनी आसानी से नहीं होता, 50% इससे मेकअप रिमूव होता है, 50% फिर हमें मुंह शुद्ध होकर साबुन सुबुन के साथ रगड़ रगड़ के मुंह उतारना पड़ता है, ठीक है जी। इसको हम आंखें बंद करके यूज करेंगे, रोज वाटर नहीं है। मैंने एक दफा आंखें खोल के इसको इस्तेमाल कर लिया तो जनाब साहब मेरी आंखें जल गई थी, मतलब बहुत ज्यादा ना जलन शुरू हो गई थी। तो ये रोज वाटर नहीं है, ये एज अ टोनर है, ठीक है जी। हम लोग मुंह धोने के बाद, सुबह उठ के, रात सोने से पहले, कोई मसाज करने के बाद, कोई फेशियल करने के बाद इसको स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 आंखें बंद करके, ये आंखों में ना जाए, ठीक है जी। जिनकी स्किन थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, जिसकी स्किन पे ये दाने बने हुए हैं, एक्नी गंदी वाली है और पस वाले दाने हैं, उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। जिनकी स्किन स्मूथ है, हल्के फुल्के दाने तो चलते हैं, लेकिन पस वाले दाने जिससे स्किन नजर आ रही हो वो स्किन पे करेंगे तो उससे इनको थोड़ी सी इरिटेशन होगी और रेडनेस हो जाएगी, इसलिए वो लोग ये यूज ना करें। बाकी सारे कर सकते, ऑयली वाले भी, कम्बिनेशन वाले भी, सेंसिटिव वाले भी, सबके लिए रिकमेंड करूंगी, लेकिन जिनके मुंह पे दाने शाने हैं और कोई स्किन वगैरह का मसला है वो ये रिकमेंड, ये वो ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये तकरीबन मेरी चौथी बॉटल है और पहले मैं यूज कर चुकी हूँ, मतलब अपने साइड टेबल पे रखी हुई, जब सुबह उठती हूँ 3 चार स्प्रे कर लेती हूँ, जब सुबह उठती हूँ 3 चार स्प्रे कर लेती हूँ, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन फिर वही बात कि जिनके दाने बुरे वाले हैं ना वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब इनकी लास्ट प्रोडक्ट आ गई है तजमीली बहानिया के ये ग्लिटर्स। ये मैं आपको सारे स्वैच करके दिखाऊंगी ताकि आपको सारे कलर्स पता चल जाए और आप लोग को लेने में आसानी हो, अगर आप लोग लेने हैं। चलो जी, पहले स्वैचेस देख लेते हैं। हाँ जी जनाब, तो ये सारे स्वैचेस हैं ग्लिटर्स के, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं। मैंने वैक्स नहीं की इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा लेके नहीं जा रही हाथ, तो ये आप लोग को सारे नजर आ रहे हैं, थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप लोगों ने तजमीली बहाने के स्वेचेस देख ली हैं, तो ये जी इनकी ग्लू भी एक साथ आती है छोटू सी, इसको हम खोलते हैं, इसको भी दिखाती हूँ आप लोग को एक कैसी है, ये देखिए जी, इस तरह की ग्लू है। और हम ये जो ग्लिटर्स हैं ये ग्लू के बगैर नहीं लगते, इसके ग्लू बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पास ग्लू नहीं है तो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस आप लोग लगा सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस भी नहीं है तो प्राइमर आप लेके ना आंखों के ऊपर उसको लगाए और फटाफट उसके ऊपर ये लगा के आंखें बंद करके मेकअप फिक्सर कर ले, तो फिर भी आपका ग्लिटर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये हमने ग्लू लगाई है, ये देखिए जी, ये हम ग्लू लगा दी। अब ये मैं कलर यूज करूंगी, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ, हाँ जी, गोल्ड शिमर, ये वाला गोल्ड शिमर लेके मैं आपको इसका दिखाती हूँ ये कैसा लगता है ग्लू के ऊपर। ये देखिए जी, मैंने हाथ पे ये लिया गोल्ड शिमर, ये आप लोग के सामने लगाती हूँ। अच्छा जी, ग्लिटर लगाने का एक तरीका ये है कि हम लोगों ने ना एक जगह पे 3 दफा टैप करना है, 3 दफा टैप करेंगे सारे स्पेसेस हल हो जाते, एक दफा टैप करने से हल नहीं होते। ये देखिए जी, एक दफा टैप किया वो मजा नहीं आया, इधर मैंने 3 दफा टैप किया, 1 2 3, ये देखिए जी, ये तरीका होता है ग्लिटर लगाने का।
हम लोगों ने एक आंख को एक दफा टैप करके छोड़ नहीं देना कि दूसरी दफा बाद में टैप करेंगे। हम लोगों ने एक दफा जहां टैप किया वहां पे एक दो तीन, फिर अगली पे आएंगे एक दो तीन, फिर अगली पे आएंगे एक दो तीन, फिर अगली पे आएंगे एक दो तीन। इस तरह करोगे ना आप लोग ग्लिटर सारा दिन फंक्शन के बाद भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है जी। तुम सो के भी उठ जाओगे तो कितने नहीं जाएगा, लगा ही रहेगा। ये देखे देखिये फूक मारने से भी नहीं उठ रहा, ठीक है जी, कहीं भी नहीं गया क्योंकि हमने प्रेस कर दिया इसको अच्छी तरह, तीन दफा पैक कर दिया। पैकिंग बहुत जरूरी होती है, कहते ना ग्लिटर लगाया उड़ गया। अच्छा जी, किस कुछ लोगों को ना ग्लिटर की टाइप्स का भी नहीं पता कौन कौन से ग्लिटर होते हैं, इसको कहते हैं डस्टी टाइप ग्लिटर। मैं शायद नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट वीडियो सारे ग्लिटर्स पे बनाऊंगी कौन 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 से किस किस किस्म के ग्लिटर्स होते हैं जो आप लोग ले सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, हुन की रह गया बस जी, मुक गया रिव्यू। अच्छा जी, अब मैं इनकी प्राइसेस भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, तो चले जी प्राइसेस की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, अब आती है कीमतों की बारी के इसकी इन सब चीजों की प्राइस क्या क्या है। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं इन ग्लिटर्स की, जो कि 12 ग्लिटर्स हैं, आप लोगों को 999 रुपीज के मिलेंगे, 1000 रुपए के। उन्होंने आप लोग का 1 रुपया वापस नहीं करना, मैं पहले दस लिया था। उसके बाद ये ग्लिटर ग्लू की बारी आती है, ठीक है जी, ये 150 रुपीज की आप लोग को साथ इसके मिले लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग ने ग्लिटर ग्लू नहीं लेनी जी, आपका बजट आउट हो रहा है 1000 रुपए के बाद, तो आप लोग प्राइमर या लिप ग्लॉस लगा के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी ग्लिटर ग्लू ले लीजिए ताकि आप लोग का हाथ एक बार सेट बैठ जाए, फंक्शंस होते हैं तो ज्यादा देर टिक जाए। उसके बाद बारी आती है जी मिल्की यू की और 24 के गोल्ड सीरम की। अच्छा जी, ये आप लोग को दोनों चीजें मिलेंगी 2000 रुपए में, इनका कार्ड है ये देखें जी, ये आप लोग को दोनों चीजें मिलेंगी 199 रुपीज की। इन्होंने फिर 1 रुपया वापस नहीं करना, इसलिए 2000 हम कर लेते हैं। ये 2000 की आप लोग को दोनों चीजें पड़ेंगी। अगर आप लोग उनको कहेंगे MP1 कोड यूज करने, तो आप लोग को ये फेस मिस्ट फ्री मिलेगी, ठीक है जी। सब स्किन टाइप्स के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, बस उनके लिए नहीं है जिनके गंदे पस वाले दाने बने हुए हैं, वो प्लीज पहले अपने दाने सही करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो दाने ना इन्फेक्शन क्रिएट कर लेंगे। वो आप लोग पहले अपना ट्रीटमेंट करें स्किन का, उसके बाद अगर आप लोगों ने ये यूज करना है तो फिर ये यूज करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब स्किन की कोई आप लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं ना और कुछ कर रहे होते हैं, मतलब स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह, तो ब्लीच और फेशियल बिल्कुल नहीं करना। मेरे पास कल भी एक मैसेज आया कि स्किन की मेडिसिन लगा रही थी, स्किन उसकी उतरी हुई थी। स्किन की मेडिसिन क्या होती है कि आप लोग की स्किन को पील ऑफ करती है। जिस मर्जी डॉक्टर के पास चला जाए, वो आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं आपकी स्किन पील ऑफ होती है और अंदर से न्यू स्किन निकलती है। तो उसके ऊपर अगर आप ब्लीच कर लोगे तो सोने तो सुहागा ही होना हुआ, हो क्या होना हुआ। तो इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं करना, तब तक वेट करें जब तक आपकी स्किन न्यू आके आपकी हेल्दी स्किन क्रिएट नहीं हो जाती। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई जी, अच्छा जी उसके बाद बारी आ जाती है जी इसकी फेस वॉश की। फेस वॉश की कीमत है मेरे ख्याल 350 या 400 रुपए, इतनी ही इसकी प्राइस है, ठीक है जी। बाकी पे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगी, प्राइजेस भी डाल दूंगी और सारा कुछ डाल दूंगी, वहां से आप लोग को आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, उम्मीद रिव्यू जी खत्म हुआ। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, मैं बहुत थक गई हूँ, सारे मेनू एक एक कप ज्यादा पिलाओ। अच्छा जी, हाँ जी, अब आप लोग को मैंने बता दिया कौन सी स्किन के लिए किस किस स्किन के लिए किस कौन कौन सी समझ गए ना कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। अच्छा जी, अब मुझे ज्यादा बिजनेस नहीं करना आप लोगों ने, मैं आऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग कमेंट्स करें और डिस्क्रिप्शन में जाके इन पेज वालों से पूछें कि प्राइस कौन कौन सी है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। चले जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।